May I come in, sir? Yes, come in. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening. Baithiye. Ji, sir. Thank you, sir. दिव्यांशु जी सर, अपने बारे में कुछ बताएं संक्षेप में। जी सर, मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने स्नातक में बीटेक किया हुआ है। मैंने बीटेक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में किया है। इसके बाद मैंने एक साल दो महीने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज अ शिफ्ट ऑफिसर काम किया है और वर्तमान में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, किस शहर में रहते हैं अभी वर्तमान में आप? सर, मैं कानपुर में ही रहता हूँ। अच्छा, कानपुर में ही रहते हैं। बढ़िया। तो कानपुर तो बहुत बड़ा शहर है और बहुत विविधता है वहाँ पर। जी सर, राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर अभी तक बहुत सारा डेवलपमेंट रहा है कानपुर का। जी सर, आज़ादी की लड़ाई में कानपुर शहर का क्या योगदान रहा है? सर, आज़ादी की लड़ाई में 1857 के विद्रोह में भी कानपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कानपुर से बिठूर से 1857 की क्रांति में बाजीराव पेशवा द्वितीय के पुत्र नाना साहब ने पार्टिसिपेट करा था। इसके बाद सर, अगर देखें 1857 की क्रांति में ही अजीजन बाई महिला थी, उन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और सर, अगर पत्रकारिता में देखें तो प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा वहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करी है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में कुछ और बताएंगे? जी सर, इनके भी सर मैं उनके बारे में जानता हूँ। प्रताप के अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी का और क्या क्या था? सर, उन्होंने अध्यापक के तौर पर कानपुर में ही विद्यालय में सर एज अ प्रधानाचार्य का कार्य करा है। अच्छा। और सर, मैं अभी बाकी याद नहीं कर पा। ठीक है। आप स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई की बात चल रही है, स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति आपने कहा है, तो 1857 की क्रांति को कुछ लोग विद्रोह कहते हैं। जी सर। कुछ लोग क्रांति कहते हैं। जी सर। तो विद्रोह और क्रांति में अंतर क्या होता है? सर, विद्रोह अगर कहते हैं तो जन आक्रोश या उग्रवाद की तरह इसको देखा जाता है, विद्रोह को, कि जनता द्वारा किसी मुद्दे को लेकर, किसी वंचना को लेकर जो जन समर्थन होता है उसको सर हम विद्रोह कह देते हैं। इसमें हिंसा भी सर मौजूद होती है। ठीक है। और सर, क्रांति अगर कहते हैं तो क्रांति सत्ता परिवर्तन की जगह सत्ता पलटने पर विश्वास करती है। इसमें सर उग्रवाद के साथ जन समर्थन, हिंसा के साथ एक उद्देश्य भी जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, और आंदोलन क्या है? आंदोलन में सर हम एक रणनीतिक तौर पर हिंसा ना अपनाते हुए एक सत्ता में बदलाव की कोशिश करते हैं, इसको आंदोलन कहते हैं सर। अच्छा जी, आंदोलन हिंसा और अहिंसात्मक दोनों हो सकता है? सर, आंदोलन अगर अहिंसात्मक होता है तो उसको सर आतंकवाद और उग्रवाद इसकी तौर पर देखा जाने लगता है। आंदोलन को एक साध्य उसका उग्रवाद शब्द और आतंकवाद शब्द एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है सर। क्या दोनों में अंतर है? सर, इसमें वैचारिक मतभेद अगर जनता के मन में होता है तो उसे उग्रवाद का रूप कहा जाता है। अगर यही वैचारिक संघर्ष के साथ सर हिंसा भी आ जाती है और इसमें किसी जनता या लोगों का हित कराया जाता है, डर का माहौल बनाया जाता है, तो उसे आतंकवाद कहते हैं। अच्छा, हमको यहाँ से कानपुर जाना है। जी सर। तो कौन कौन सा रूट आप हमें बताएंगे कानपुर जाने का यहाँ से? सर, कानपुर जाने के लिए इलाहाबाद से अधिकतम रूट बताइए कौन कौन सा कानपुर का है। अधिकतम माने? जी सर, अधिकतम क्या क्या कौन कौन सा रास्ता है कानपुर पहुंचने का? सर, यहाँ से रायबरेली लखनऊ होते हुए सर उन्नाव, उसके बाद कानपुर जा सकते हैं। सर, यहाँ से अगर खाजा फतेहपुर होते हुए कानपुर जा सकते हैं। सर, इधर से ही हम बांदा होते हुए भी कानपुर जा सकते हैं। सर, मैं अभी इतना ही। और कोई रास्ता? और सर और अभी मिर्ज़ापुर होकर भी शायद सर है रास्ता, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता सर। बाई ट्रेन भी तो जा सकते हैं? ये सर, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। और कुछ सोच लीजिए सर। एक मिनट सर, मैं कोशिश करता हूँ।
सर और चलिए ठीक है, कानपुर की और कुछ खास बातें बताइए, या आप कानपुर की कुछ चुनौतियां बताइए, 5 चुनौतियां कानपुर की क्या है? सर पहली मुख्य चुनौती जो मुझे लगती है सर, वहाँ पे वंचना और बेरोजगारी की वजह से जो युवा में है सर, आपराधिक प्रवृत्ति का देखा जा सकता है। और सर दूसरा है कि शिक्षा होने के बावजूद भी युवा का स्किल जो है, स्किलफुल युवा सर, वो कम वहाँ पर दिखते हैं। और सर तीसरा है कि औद्योगिक विकास जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ है, क्योंकि सर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडमेंट अगर देखते हैं तो वो कम देखा जा सकता है, जैसे टेक्सटाइल मिल्स ही मिल्स की बात कर सकते हैं इसके लिए। और सर अगर और मैं सोच पा रहा हूँ तो सर ट्रैफिक की समस्या कानपुर में सर बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक जी ठीक है, माने स्किल्ड युवा की कमी जी सर, और युवा के पास रोजगार नहीं है तो अपराध है। यस सर, क्राइम में बढ़ोतरी, क्राइम सर। तो सरकार इस दिशा में क्या क्या काम कर रही है, विशेषकर युवा पर आपने 2 पॉइंट बताया जी सर, तो युवाओं युवा अपराध की तरफ ना जाए जी सर, और स्किल्ड तो कार्यक्रम भी है गवर्नमेंट का जी सर, कौन कौन सी योजना चल रही है इस दिशा में? सर अगर युवा को स्किल करने के लिए तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है सर एक, मुख्यमंत्री का कौशल विकास मिशन है, और सर क्राइम रेट को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, तो सर इसके द्वारा हम क्राइम को और युवा को, तो वहाँ तो गाड़ी पलट जाती है आपके जिले में बहुत जी सर, ऐसा करते हैं जी सर, तो उस पर आपकी क्या राय है? सर अगर ये देखे तो न्याय सर न्यायपालिका द्वारा ही किया जाना चाहिए, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मीडिया में दिखाया गया वो सच हो सकता है, ऐसा सच भी रहा हो कि गाड़ी पलट गई हो, तो ऐसा कहना सर टिप्पणी करना, क्योंकि इस पर एक कमेटी भी बनाई गई जिन्होंने कहा था कि ये घटना ही ऐसी घटी है। अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मुख्यमंत्री जी ने एक फेस्टिवल का उद्घाटन किया है जी सर, कौन सा फेस्टिवल है सर इस बारे में अभी कल ही किया है, सॉरी सर अखबार नहीं पढ़ा आपने? सॉरी आज नहीं पढ़ा सर। ठीक, आप ये ट्राइडेंट लिमिटेड में शिफ्ट ऑफिसर के पद पर है जी सर, ऐसा क्या काम होता है आपको? सर फ्लोर पर जब वीविंग हो रही होती है, जैसे सर मैं सीटिंग में था, बेडशीट बनाने का कार्य था, तो उसमें जब लूम पर कपड़ा बनता है तो उसमें सर डिज़ाइनिंग हो गया या कोई फॉल्ट आ रही है, ब्रेकेज बढ़ रहे हैं, तो इसको कम करना हमारा काम था। कानपुर में ही? नहीं सर, ये भोपाल में है, भोपाल के पास एक जगह पड़ती है बुधनी सर, उधर पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उत्थान के लिए कोई योजना चल रही है? यस सर, अगर यस सर एक मिनट सर मैं बताना चाहूँगा सर, यस सर मुख्यमंत्री श्रमिक सम्मान योजना यहाँ यूपी में चल रही है? यस सर। एमपी में? एमपी में सर एमपी में सर मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि औद्योगिक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो पा रहा है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है जी सर, तो आप जैसे बीटेक करके आप प्रशासन में चले आए जी सर, तो ऐसे ही जो टेक्नोलॉजी जिनको जानकारी है जो उस फील्ड के हैं वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं जी सर, तो आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी समस्या है? सर ये समस्या भी हो सकती है, और सर ये एक तरह से समाधान के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि सर अगर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर फील्ड से अगर प्रशासन में आता है तो सर इसे और अच्छे से टैकल किया जा सकता है। नहीं तो औद्योगिक क्षेत्र में जाकर के आप कौन सा प्रशासन भूमिका निभाएंगे? नहीं सर, अगर औद्योगिक क्षेत्र से हम सिविल सर्वेंट की तरफ आते हैं तो सर एक बड़ा दायरा मिलता है, जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडमेंट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नियमों के इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। तो यहाँ आप कौन सा काम करेंगे इससे रिलेटेड? बीटेक सर जी सर, इससे अगर रिलेटेड अगर हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश के हैंडलूम सेक्टर है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, और सर टेक्नोलॉजी अपग्रेडमेंट में जैसे PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसमें सर टेक्नोलॉजी बेस्ड को बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसलिए सर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। और कहाँ उपयोग हो सकता है आपके अनुभव का?
सर अगर मेरे अनुभवों का सर, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल फील्ड से है तो सर ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिक जो थॉट प्रोसेस होता है सर, उसके थ्रू मुझे लगता है कि मैं इम्प्लीमेंटेशन में, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन में बेहतर वर्क कर पाऊँगा। एक लास्ट क्वेश्चन है जी सर, आप GS4 पेपर का नाम बता सकते हैं क्या है? यस सर, सर समान ज्ञान 4 ही है अगर सिलेबस में। क्या क्या तीन शब्द लिखे गए हैं उसमें? एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। जी तीन शब्द है ना जी, तीनों की मीनिंग बता सकते हैं? जी सर। क्या एथिक्स? सर इथोस से बना है सर, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ग्रीक वर्ड इथोस का है जिसका मतलब होता है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य इसका यस सर नहीं है, नैतिकता से है सर इसका इथोस। रीति रिवाज, रीति रिवाज सर। हाँ तो क्या है एथिक्स सर? सर इस बारे में अभी एटीट्यूड सर, सर मुझे देखना पड़ेगा सर, एक बार मैं रिकॉल नहीं करता। एप्टीट्यूड सर किसी विशेष क्षेत्र में रुचि को लेकर एप्टीट्यूड सर कह सकते हैं हम। जैसे अगर किसी व्यक्ति में वॉलीबॉल खेलने के प्रति एप्टीट्यूड भी है और उसमें खेल के प्रति एटीट्यूड भी है तो सर वो बेहतर कर सकता है दोनों क्षेत्र। चलिए सर, कानपुर से हैं आप? जी सर। तो कानपुर में एक समस्या है गंगा की सफाई। जी सर। आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद कैसे करेंगे? मान लेते हैं अपने जिले में आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर पहुंचते हैं, तो कैसे करेंगे गंगा की सफाई? सर गंगा की पॉल्यूशन में सबसे बड़ा रोल सर वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं, टेनरीज हैं, उनसे निकलने वाला कचरा सर एक बड़ी समस्या है। इसके लिए सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ सर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा सकते हैं। सर IIT कानपुर के द्वारा एक प्रोग्राम प्रोग्राम में एक डिवाइस बनाई गई थी जिससे हम गंगा में होने वाले पॉल्यूशन को मेजर करने के साथ साथ उसमें किस किस तत्व के हमारे प्रेजेंस ज़्यादा हो उसके टारगेट बेस्ड हम सॉल्यूशन कर सके सर, एक ये कर सकते हैं सर। दूसरा है अवेयरनेस प्रोग्राम हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि गंगा नदी के किनारे कई घाट हैं जिनमें दाह संस्कार किया जाता है और मंदिर हैं सर जिससे फूल और जितने भी हैं वो गंगा नदी में ही गिरा दिए जाते हैं सर, इसको कम किया जा सकता है। और सर कहीं ना कहीं हमें सोशल नागरिकों को साथ में लेकर ही गंगा की सफाई को हम पूरी तरह से सही कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि वहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है ये सब काम ना कर नहीं कर रहा होगा? नहीं सर, बिल्कुल कर रहा होंगे। तो फिर आप में क्या खूबी है, आप कैसे कर सकते हैं? सर इम्प्लीमेंटेशन सर टारगेट बेस्ड अगर हम देखें, आंकड़ों को नोटिस करें सर, पहले रिसोर्सेज देखते हैं हम कितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, आंकड़े देखते हैं कि हमें कहाँ से मैं बेहतर पहले फुगाई ढूंढेंगे कि कहाँ ज़्यादा टारगेट बेस्ड काम करना चाहिए मुझे। तो मुझे लगता है सर मैं अपनी ये एनालिटिकल रीजनिंग के द्वारा मैं इसे बेहतर तरीके से कर पाऊँगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी का जब आगमन हुआ था तो उस समय एक महीने के लिए गंगा बिल्कुल साफ हो गई थी। जी सर। तो इस तरह का करिश्मा कैसे हो गया एक महीने में ही? सर ये करिश्मा नहीं, ये विल पावर थी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर देखें तो गंगा की सफाई को लेकर मिशन मोड में कार्य करा जा रहा था। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो सर एकदम से सारा प्रशासन उस सफाई को एकदम बेहतर तरीके से करता है, लेकिन सर इसके साथ ही हमें जो समाज है वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है कि एक बार साफ़ कर दिया और वो हमेशा साफ़ रहेगा, जब तक वहाँ के लोग इस बात को बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे। अच्छा, आपने कहा कि हमारी हॉबी कुकिंग है। जी सर। ठीक है जी सर। तो मक्के की रोटी में क्या क्या पड़ता है? सर मक्के की रोटी में सर पानी पड़ता है और सर मुझे तो जितना याद है पानी से ही मक्के की रोटी को बना लेते, थोड़ा थोड़ा करके सानते हैं और सर कुछ अदर चीज़ें नहीं डालते सर, थोड़ा सा बेसन डालते हैं। अच्छा जी, और भी कुछ क्या बना लेते हैं आप? अच्छा सर मैं मीठे में सर हलवा, रसगुल्ला और रबड़ी
कढ़ाई पनीर सर सब। ठग्गू के पेड़े बड़े फेमस हैं जी सर, ठग्गू के लड्डू जी सर, ठीक है। ऐसा कोई ठगा नहीं जी, है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ठगा नहीं। तो उसमें क्या पड़ता है खास उनमें? सर उनमें वो खजूर डालते हैं, मेवे डालते हैं और सर गुड़ से भी बनाते, देसी घी का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं जी सर। अच्छा, और क्या बना लेते हैं? अच्छा सर इसके अलावा सर सर यही है, मुझे लगता है मैं कढ़ाई पनीर ज़्यादा अच्छा बनाता हूँ। कढ़ाई पनीर में क्या होता है स्पेशल? सर स्पेशल उसका मसाला होता है जो उसका टेस्ट बदलता है सर। अगर मसाला अगर आप नॉर्मल डाल देंगे तो बस अनुपात है मसाले का डालने का? यस सर। क्या अनुपात है सर? जीरे को, जीरा अगर हमने जैसे 4 चम्मच डाला है तो धनिया को हम 2 चम्मच डालते हैं और उसमें खड़ा लाल मिर्च सर 2 डाल के उसी को भूंज के सर मसाले का बन जाता है। और अच्छा, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूँगा। अच्छा, कानपुर में नाना साहब का नाम सुने होंगे? जी सर। ठीक है जी सर। तो कहाँ से संबंधित थे कानपुर से? सर बिठूर से। अच्छा, बिठूर से जी। तो रानी लक्ष्मीबाई का भी कोई संपर्क था उनसे? जी सर। क्या संपर्क था? सर वो शायद मैं एग्जैक्ट तो नहीं सर, लेकिन उनका ननिहाल था शायद कुछ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा। अच्छा, क्यों उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था, क्या कारण था? सर उनकी पेंशन रोक दी गई थी। क्यों? सर अंग्रेजों द्वारा उन्हें पेंशन दी जा रही थी और जो बढ़ाने की बात को लेकर नहीं बात आगे नहीं बढ़ पाई तो इस वजह से। तो क्यों रोक दी गई, क्या कारण था? कोई तो रीजन दिए होंगे कि भाई आपकी पेंशन हम बंद कर रहे हैं। जी सर। तो क्या अंग्रेजों ने कारण बताया? सर ये नहीं, जानकारी नहीं है इसके। अभी भी यहाँ सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बंद होने के खिलाफ बहुत आंदोलन करते रहते हैं जी सर, या एकजुटता दिखाते हैं जी सर। आपकी क्या राय है, पुरानी पेंशन की जगह NPS लागू किया गया है सरकार के द्वारा, वो सही है या उसको रिवाइज्ड किया जाना चाहिए? सर NPS अगर दूरदृष्टि से देखें तो सर ये वायबल है, अच्छा है और ये स्टेट की GSDP के लिए बेहतर ग्रोथ करेगा। अगर क्योंकि सर ओल्ड पेंशन स्कीम में लुभावनी वादे करके अगर हम अभी लोगों को मास को अपनी तरफ सरकार करती है तो ये सर ये GSDP में एक फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाएगा जो कि सर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए उचित नहीं होगा। अच्छा, महिला साक्षरता आपके यहाँ कैसी है कानपुर में? सर उत्तर प्रदेश में सर सबसे ज़्यादा है। क्या कारण है कि वहाँ सबसे अच्छी है? सर मुझे लगता है कि वहाँ पर कॉलेजेस ठीक हैं और वुमेन को सर थोड़ी स्वतंत्रता दी जाती है पढ़ने को लेकर जी सर। और उत्तर प्रदेश में सबसे ख़राब स्थिति किस जिले की है? सर सबसे ख़राब सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर अभी याद नहीं आ रही है, मैं एग्जैक्ट सर नहीं अभी याद आ रहा, या तो सर पूर्वांचल का कोई जिला हो सकता है लेकिन मैंने पढ़ा है लेकिन अभी मैं याद नहीं कर पाऊँ सर। सर अच्छा, मान लीजिए श्रावस्ती जिले का कलेक्टर आपको बनाया जाता है। श्रावस्ती की है, ठीक है जी सर। श्रावस्ती जिले का कलेक्टर आपको बनाया जाता है और वहाँ महिला की साक्षरता बहुत ख़राब स्थिति है वहाँ की, वहाँ बेहतर करना है जी सर, तो आप कौन से 3 उपाय करेंगे जिससे महिला साक्षरता बेहतर उसका ग्राफ हो सके? सर अवेयरनेस प्रोग्राम, आप कलेक्टर हैं जी सर, सोच के बताइएगा जी सर। सर अगर अवेयरनेस प्रोग्राम में हम वो सारे महिलाओं को एज अ आइडल पेश करें गांव में और जिले लेवल पर कि यहाँ पर ऐसी ऐसी महिलाओं ने ये करके दिखाया है तो हमारी जिले की भी बेटियाँ ये कर सकती हैं, तो सर एक सकारात्मक सोच जाएगी और जो वहाँ के बड़े बूढ़े हैं उनसे उस आशा बहू और इनके माध्यम से सर बात करके इस चीज़ में पहले तो सोच में परिवर्तन लाना होगा वहाँ के बड़े बूढ़ों के लिए, तो सर एक ये कार्य कर सकते हैं सर। और दूसरा जैसे अगर मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई स्कीम सर कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज, तो इनको सर अच्छे लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के साथ सर यही है कि आशा बहुओं और जो स्वच्छता सैनिटरी कार्यक्रम होते हैं सर इसको भी स्कूल लेवल पर अच्छा करना चाहिए जिससे महिलाएं तो स्कूल पे आ सके। ये जो आप बता रहे हैं क्या ये सब कानपुर में है?
या इस लेवल पे कानपुर बेहतर है इसलिए वहाँ अच्छी साक्षरता है? सर यह सर एक तरह से देखें सर, कॉलेज और स्कूल प्राइवेट भी इतने हैं कि महिलाओं को भेजा जा सकता है। और सर स्वच्छता को लेकर कानपुर में अगर देखते हैं तो श्रावस्ती के मुकाबले सर यहाँ पर साफ सफाई स्कूलों की बेहतर है। अच्छा, 1000 पुरुष पे जी सर, मान लीजिए कहीं 850 महिला है जी सर, कहीं 900 महिला है जी सर, ये तो बहुत बुरा साइन है। जी। और ये डेटा हमारे पास है जी सर, हमारे पास ये भी डेटा है कि किस ब्लॉक में कितनी महिला है कितने पुरुष है जी सर, सारा डेटा हमारे पास जी सर, फिर भी हम इसको बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कारण है सर? क्योंकि ये एकदम से सर बड़ी हुई समस्या नहीं, ये इतिहास से चलता चला रहा है, जिसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है सर। अगर देखें सरकार की मुखबिर योजना है जिसमें भ्रूण हत्या को रोकने की बात करी गई है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम सर, ये एक ग्रोथ के रूप में देखा है सर। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें का अगर हम रिपोर्ट देखें तो लड़कियों का नामांकन सर बढ़ा है, और इससे अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो सर लिंगानुपात को बेहतर किया जा सकता है। अंतिम एक सवाल का जवाब दीजिए, कोई भ्रूण हत्या हो की घटना होती है जी सर, उसमें आप उस महिला को कितना जिम्मेदार मानते हैं जिसके गर्भ में शिशु पल रहा है और उसकी हत्या हो जाती है? सर मुझे अगर मेरी राय देखें तो सर कहीं ना कहीं महिला को अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि जब सर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अधिकार अगर अबॉर्शन का हो या कुछ भी, तो जब पूरा अधिकार महिला को दिया है तो ये महिला का मुझे लगता है सर कर्तव्य होना चाहिए कि उसे अपनी उसको दोषी मानते हैं जी सर। ठीक है, थैंक यू। जा सर। थैंक यू सर। थैंक यू।